प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर भी तंज कसा। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, इसके बाद से ही वो इस सरकार को एक तिहाई सरकार कह रहे हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें सत्ता में 10 साल तो हो गए और आपके हिसाब से अभी 20 साल बाकी हैं। ये उनके इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में भी घी शक्कर। साथ ही क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सककर, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं 20 और बाकी है। एक तिहाई हुआ है दो तिहाई बाकी, और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं।